हेलो दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो जो एसएससी सीजीएल का जो इम्पोर्टेंट पेपर चल रहा है, जो 37,000 वैकेंसी इस साल, उससे रिलेटेड जो आज के जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए, वो बुक्स और ऑथर से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो जो मोस्ट रिपीटेड बुक्स और ऑथर हैं जो टीसीएस द्वारा पूछी गई हैं, उन पर बेस्ड ये वीडियो होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कुछ राइटर हैं प्रमुख, इनकी बुक्स बार बार आती हैं पेपर में, तो उन पुस्तकों के ऊपर एक वीडियो है। ज़रूर से ज़रूर वीडियो को वॉच करिएगा अंत तक। चलिए, पहले राइटर है हमारे शशि थरूर जी, उनकी पुस्तक हिंदू व्यू, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर, ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हवाई है मैं हिंदू, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एरा ऑफ डार्कनेस, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये प्रमुख पुस्तकें हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राइटर है हमारे सुधा मूर्ति, इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है वो है वाइज एंड अदरवाइज। ठीक है, और द बर्ड विद द गोल्डन विंग्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दो ठो। इसके अलावा भी जितनी लिखी हुई हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दो ठो हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंद स्वराज पुस्तक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सत्याग्रह किया था वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर, नरेंद्र मोदी जी की पुस्तकें भी पूछी जा रही हैं, एग्जाम वॉरियर, सबको पता है कितनी इम्पोर्टेंट है। और सामाजिक समरसता, सोशल हारमोनी बुक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक बुक और है अबाउट ऑफ लॉ, ये पुस्तक भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है। तो तीन बुक हो गई नरेंद्र मोदी जी की, ये भी बार बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लिए बुकर प्राइज मिला था 1997 में उनको। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है पूछी गई है। अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये इम्पोर्टेंट बुक्स है, तीनों तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अरुंधति रॉय हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफी हैं जैसे आई एम नो मसीहा, संस्कृत की एक पूछी गई हाल फिलहाल में। अमर जीवन, रस सुंदरी की देवी की पुस्तक है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ये स्टार लगाई इसमें, ये नीरज सिंह चौधरी की है जो पूछी गई पुस्तक। इसके अलावा गॉड ऑफ सॉल, जेम्स ब्राउन की पुस्तक पूछी गई है। इसके बाद जो माइकल जैक्सन है, उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है मून वॉक, वो भी पूछी गई है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और बुक्स इम्पोर्टेंट पूछी गई हैं। तो जो इंडिया 71 ईयर टेस्ट जर्नी ऑस्ट्रेलिया में, तो आर कौशिक की इम्पोर्टेंट बुक, ये भी करके जाइएगा। इसके अलावा दलाई लामा की पुस्तक जो पूछी गई है, लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, डबल स्टार लगाइए इस बुक पे। ठीक है, क्योंकि ये जो पुस्तक है ना, बार सबसे बाद अगर कोई पुस्तक सबसे ज़्यादा अगर रिपीटेड हुई है वो यही बुक है। तबकात नासरी की पुस्तक है, मिनहाज उस सिराज की बुक के राइटर हैं तबकात नासरी पुस्तक के राइटर। नेक्स्ट है डेमोक्रेट्स एंड डिवेंचर्स, ये भी बुक पूछी गई है, रामचंद्र गुहा की है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, मैन इन वाइट, ये मुकुल केसवन की पुस्तक है, ये भी पूछी गई है। इसके बाद वॉकिंग विद द कॉमरेड, ये भी अरुंधति रॉय की पुस्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, जरूर से जरूर देख के जाइए। पॉपेज ऑफ कौन, सी ऑफ पॉपेज, ये भी अमिताभ घोष की पुस्तक है, सी ऑफ पॉपेज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, सी ऑफ पॉपेज। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें, हेडमैन शर्मा, रोहित शर्मा की स्टोरी है, जी कृष्णा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स थी जो मैंने आपको करा दी। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ज़रूर 2 मिनट का वीडियो हो, 4 मिनट का, जरूर ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए, इसी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट जो भी होगा, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं सब करा दूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।